हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री 27। और आज हम सब बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को बहुत बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो बहुत लेंदी ना हो, इसलिए इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन मैंने तीन वीडियोज़ में डिवाइड किया है। तो ये वॉल्यूम वन है जो अभी आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये टॉपिक कॉम्पिटेटिव परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सब आज एनसीईआरटी का जो 12th का फर्स्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर क्या है। मैटर आपने बचपन से पढ़ रखा है कि मैटर की तीन स्टेट होती है, ठीक है। पहली स्टेट होती है सॉलिड और दूसरी होती है लिक्विड और तीसरी होती है गैस। ये गैस और ये जो लिक्विड होता है, इन दोनों को हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं। अब फ्लूइड क्यों कंसीडर करते हैं इन दोनों को? देखिए, जो बेसिकली फ्लूइड होता है वो कोई भी जो भी सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो कर सकता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। लिक्विड और गैस में मोबिलिटी होती है, ये फ्लो कर सकते हैं, बट सॉलिड हमारा फ्लो नहीं कर सकता। जी हाँ, ये मसला बहुत गंभीर है कि सॉलिड आखिर फ्लो क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। लिक्विड और गैस में एक दूसरे से दूर होते हैं, सबसे ज़्यादा गैसेस में एक दूसरे से दूर होते हैं। तो सॉलिड की बेसिकली हम डीप में जाएंगे और पढ़ेंगे कि सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस जब कम होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत हाई हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े होते हैं, बांधे हुए होते हैं। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है तो बेसिकली उसकी मोबिलिटी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं और वो मोबिलिटी को बहुत कम शो करते हैं, यानी कि वो मूव नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसको आप एटम, आयन या मॉलिक्यूल्स कुछ भी ले सकते हैं, इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जिस तरह से किसी दो लोगों को आपस में कस के बांध दिया जाए तो वो मूव नहीं कर सकते, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होती है। तो उसी तरह से ये इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर और मोबिलिटी लो हो जाती है, और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होने से सॉलिड को एक रिजिडिटी मिलती है, सॉलिड रिजिड होता है, और ये रिजिडिटी सॉलिड को देती है फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स शेप एंड साइज एंड मास एज वेल। तो हमने देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होता है तो मोबिलिटी कम होती है, उसकी वजह से सॉलिड रिजिड हो जाता है। आप अपने चारों तरफ बहुत से एग्जांपल देख सकते हैं, जिस तरह से एक बुक को टेबल पे आप रखिए तो बुक जो है मूव नहीं होगी, उसका डेफिनेट शेप होगा, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, ज़्यादा है। जबकि अगर मान लीजिए कि आप कोई लिक्विड टेबल पे गिरा देते हो तो वो पूरे में फैल जाता है, उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, क्योंकि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनमें मोबिलिटी है, वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। गैसेस में तो बहुत हाई होती है ये मोबिलिटी और इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत बहुत कम होता है। तो सॉलिड के अंदर अगर ये ऑसिलेशन यानी कि मूवमेंट थोड़ा बहुत भी फील होता है तो वो एक फिक्स्ड एंड मेन पोजीशन पर होता है, ना कि फ्रीली जिस तरह से लिक्विड और गैसेस में होता है। तो हमने अभी तक देखा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई हुआ और मोबिलिटी लो हुई, उसने सॉलिड को रिजिडिटी प्रोवाइड करी और फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप और फिक्स साइज प्रोवाइड कराया। तो इस तरीके से सॉलिड जो है वो डेफिनेट शेप रखता है। अब चलिए हम इसकी और डिटेल में जाएंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे कि सॉलिड बेसिकली कितने तरह का होता है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बॉन्ड बनता है तो वो कितने तरह का होता है। तो ये फर्दर इस तरह से बहुत सा डिवीजन है और अभी आपको आगे इस चैप्टर में मिलता जाएगा। तो नेक्स्ट हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन, सॉलिड के क्लासिफिकेशन। तो सॉलिड के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बाद अब हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं, जो ऑर्डर होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, वो एक दूसरे के साथ किस ऑर्डर में, एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, कैसा अरेंजमेंट है,
उसके बेसिस पे हम करते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर है, जो पैटर्न है प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिनसे वो मिलकर बने हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं एक क्रिस्टल फॉर्म करने में या फिर एक एमॉर्फस सॉलिड फॉर्म करने में, क्योंकि ये बेसिकली दो तरह के इसी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो अब हम क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में जानते हैं कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड होते क्या हैं। तो जो पहले हम क्रिस्टलाइन के बारे में पढ़ेंगे, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेसिकली वो छोटे छोटे स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ होता है, और ये हर क्रिस्टल के अंदर एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, और ये एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑर्डर्ड पैटर्न में जुड़ते चले जाते हैं और बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनाते हैं। तो अभी आपको ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर थोड़ा सा टर्म नया लग रहा होगा, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे एक क्लास में फर्स्ट रो जहां से स्टार्ट होती है और लास्ट रो तक बच्चे बिल्कुल सिक्वेंटली बैठे हुए हैं, और ये जो पैटर्न है ये हमें काफी दूर तक देखने को मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, तो ये डेफिनेट क्रिस्टल, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल क्रिस्टल होते हैं जिनका ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, और वो एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं एक बहुत ही ऑर्डर्ड पैटर्न में, और वो क्या फॉर्म करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म करते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, इसी के बेसिस पे हमने इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला है स्मॉल क्रिस्टल्स को। ओके, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आप कुछ भी ले सकते हैं, लाइक आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स, मैं बार बार ये कह रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो हम इसके एग्जाम्पल में देखेंगे NaCl सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है या क्वार्ट्स, क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब हम दूसरा देखते हैं एमॉर्फस। एमॉर्फस क्या है? एमॉर्फस बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। अब नो फॉर्म से समझ में आ ही गया होगा कि किसका कोई फॉर्म ना हो। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसका शेप रेगुलर नहीं होता है, वो बहुत इरेगुलर शेप के होते हैं, जैसा कि आपने क्रिस्टलाइन में देखा कि बहुत प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, यहां पर इरेगुलर शेप होता है। और यहां पर जो पैटर्न होता है वो एक दूसरे के साथ एक पीरियोडिक पैटर्न को शो करते हैं, इरेगुलर पैटर्न तो होता है लेकिन वो हमें बहुत दूर तक देखने को नहीं मिलता, वो थोड़ी देर के बाद हमें चेंज मिलता है। तो इस तरह के पैटर्न को हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज पैटर्न या शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो कि हमें सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक मिले, तो इसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो आपने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हमने अरेंजमेंट जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का है उसके बेसिस पे डिवाइड किया। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है क्वार्ट्स ग्लास। ओके, अब हम स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड लेस स्टेबल होते हैं। हम नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एन आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है। अब एन आइसोट्रॉपिक नेचर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, अगर हम एक सेम क्रिस्टल के अंदर इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स देखेंगे तो हमको अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने की वजह से ये एक ही क्रिस्टल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज शो करता है। बट अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को देखें तो ये आइसोट्रॉपिक नेचर शो करता है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, सारे डायरेक्शन में सेम आती हैं बिकॉज इसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो चलिए एक ब्रीफिंग कर देती हूँ फिर से क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में कि क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में क्या डिफरेंस होता है। तो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस में डिफरेंस, सबसे पहला हम शेप देखते हैं। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं वो डेफिनेट शेप रखते हैं, बट एमॉर्फस सॉलिड इरेगुलर शेप रखते हैं। मेल्टिंग प्वाइंट जो होता है क्रिस्टलाइन में वो एक शार्प मेल्टिंग प्वाइंट होता है, और जो अभी मैंने आपको कर्व दिखाया कूलिंग कर्व, तो आप वो डिफरेंस देख सकते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में ग्रेजुअली टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है। फिर अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो कट होने के बाद आपको एक स्मूथ सरफेस मिलती है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड को कट करने के बाद आपको इरेगुलर सरफेस मिलती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड एनिसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर शो करते हैं।
ऑर्डर की बेसिस पे देखें तो क्रिस्टलाइन लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं और एमॉर्फस शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कूलिंग कर्व एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब कूलिंग कर्व क्या होता है? कूलिंग कर्व बेसिकली हम किसी चीज को कूल कर रहे हैं, तो जब हम कूल कर रहे हैं तो हमें एक लाइन ग्राफ मिल रहा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैटर की फेस चेंज को। ठीक है, तो हम एमॉर्फस को देखते हैं कि जब हम एमॉर्फस को कूल करते हैं तो हमको एक बहुत ही स्मूथ कर्व मिलती है। टेम्परेचर को टाइम के अलोंग हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एमॉर्फस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है वो टाइम के साथ बहुत ही स्मूथली कम होता चला जाता है और हमको एक स्मूथ कर्व मिलता है। ओके, और एमॉर्फस सॉलिड को हम सुपर कूल सॉलिड भी बोलते हैं। और जहां कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखेंगे तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें हमको स्मूथ कर्व नहीं मिलता। टेम्परेचर चेंज जो होता है वो टाइम के साथ, शुरू में तो लिक्विड से आप जब इसको कूल करेंगे तो नॉर्मली टेम्परेचर चेंज होता है और घटता चला जाता है, बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इस ये जो पॉइंट हमारा है जहां पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो रहा है इसको हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन यानी क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा यहां पर कि फिर हमको टेम्परेचर में चेंज दिख रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। तो ये फेज जो है टेम्परेचर कांस्टेंट होने की, इस वजह से यहां पर सॉलिडिफिकेशन होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों होता है क्रिस्टल बनने में? तो उसमें बेसिकली क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक दूसरे के पास लाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आते हैं क्रिस्टल फॉर्म करने के लिए तो वो बॉन्ड बनाएंगे, तो जब बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो एट अ टाइम एनर्जी दी भी जा रही है और एनर्जी सिस्टम में निकल भी रही है, तो एनर्जी कंपनसेट हो जाती है, तो जिस वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये दो तरह का कर्व है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलिंग कर्व, क्योंकि इससे आईआईटी जेई वगैरह में भी क्वेश्चन पूछ। तो हमने अभी तक क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के बारे में पढ़ा, अब हम क्रिस्टलाइन को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं और देखते हैं ये कितने तरह का होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे, यानी कि जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम मॉलिक्यूलर एंड कुछ भी आप ले सकते हैं, तो उनके बीच में किस तरीके का बॉन्ड पाया जा रहा है, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर बॉन्ड किस तरह का है। बॉन्ड कई तरह के होते हैं, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो उसके बेसिस पे हम जो है इसका डिवीजन करते हैं। तो ये बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड होता है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड लास्ट है कोवेलेंट सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर हम डिवाइड करते हैं चार पार्ट में, तो अभी हम इसकी डिटेल में जाएंगे और पढ़ेंगे कि ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सब किसकी क्या होती है। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का पहला पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या चीज है। मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसका हम फर्दर सब डिवीजन करते हैं, तो उसका जब हम फर्दर सब डिवीजन करेंगे तो सबसे पहला इसका आएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या तो ये एटम से बने हुए होते हैं जैसे आर्गन और हीलियम, या तो मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स में आप H2, Cl2 और I2 ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप ले सकते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, जब नॉन पोलर बॉन्ड से, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, तो नॉन पोलर बॉन्ड से मिलकर बने हुए होते हैं, इनके बीच में नॉन पोलर बॉन्ड होता है। अब ये जो होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं, यानी कि सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इनका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। रूम टेम्परेचर पर जो इनकी स्टेट होती है ये मोस्टली लिक्विड या गैसेस स्टेट में रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, नॉन पोलर से अगर किसी को याद नहीं आ रहा होगा कि नॉन पोलर क्या होता है, तो नॉन पोलर में बेसिकली क्या होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो एटम के बीच में, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वली शेयर होते हैं। अब इक्वली जब शेयर होते हैं तो किसी तरह का कोई झगड़ा ही नहीं होगा दोनों में, यानी कि मान लीजिए एटम ए और एटम बी है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बराबर होगी। तो ये एक दूसरे को, यानी कि दो अच्छे बच्चे हैं, दोनों ने इक्वली खाना शेयर किया और दोनों में किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, और वो इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद नॉन पोलर बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों
में बराबर होती है। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं जहां पर इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? वहां पर बॉन्ड बनता है नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड पाया जाता है। तो जो हमारा दूसरा पार्ट है अब मॉलिक्यूलर सॉलिड का है वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आपको नाम से पता चल रहा होगा कि जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में HCl है, SO2 है, NH3 है। और आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पहले भी पढ़ रखा है आपने, आपको पता होगा इसके बारे में। अभी मैं ब्रीफ करूंगी इसको। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हायर होता है इन कंपेरिजन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। और ज्यादातर ये जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो गैसेस या लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, फॉर एग्जाम्पल SO2 और NH3, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारा, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वली शेयर नहीं होता। वो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है, उसकी तरफ अट्रैक्टेड होता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले रखा है HCl का, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। ये जो हमारा HCl है तो इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, यानी कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुका हुआ होता है, ज्यादा अट्रैक्टेड होता है। तो जिसकी वजह से इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है वो इक्वली शेयरिंग नहीं हुई है। दो बच्चे हैं, एक स्ट्रांग है और ये एक आपका वीक है। तो स्ट्रांग वाले ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है और वीक वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके अंदर, और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने आपको बता दी इसकी। तो हमारा जो लास्ट सब डिवीजन है मॉलिक्यूलर सॉलिड का वो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो हाइड्रोजन का फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन एटम के साथ पाया जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है वो आइस है, H2O। तो इसके बीच में हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो इसमें जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का। इनके कैरेक्टरिस्टिक में हम जाएंगे तो देखेंगे कि ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और ये वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। वोलेटाइल लिक्विड भी आपको पता होगा, 9th स्टैंडर्ड की चीज है ये। तो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं और ये सॉफ्ट सॉलिड होते हैं अंडर रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। यानी कि ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में रहते हैं, ये गैसेस स्टेट में नहीं रहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड की डिटेल पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट हमारा है आयनिक सॉलिड। तो ये जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो आयन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं वो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं और ये बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है, ठीक है। और ये बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटिल होते हैं नेचर में। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ये इनके आयंस के अंदर मोबिलिटी नहीं होती सॉलिड स्टेट में। जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके आयंस मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट नहीं करते। तो ये इंसुलेटर की तरह से बिहेव करते हैं। बट अगर इसी सेम आयनिक सॉलिड को आप वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज हो जाने के बाद इनके आयन्स फ्री हो जाते हैं और मूव करते हैं, तब ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है मेटालिक सॉलिड। आप सब अवेयर होंगे, मेटल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में। तो अभी यहाँ पे ब्रीफिंग हो जाए और एक तरह से डिटेल भी कि मेटल्स क्या होते हैं। बेसिकली मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन का करेक्शन होते हैं। इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का ओशन,
ये पॉजिटिव आयन के कलेक्शन जो होते हैं वो चारों तरफ से सराउंडेड किससे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से होते हैं। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके अंदर मोबिलिटी होती है, और ये मोबिलिटी, अब इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। जब आप इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई होने से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूरे नेटवर्क में क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं। तो पूरे नेटवर्क में पॉजिटिव आयन का जो नेटवर्क बना हुआ है उसमें मूव करते हैं, तो मूव करने से इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। उसी तरह से अगर आप मेटल के अंदर हीट को अप्लाई कर दें, तो हीट जब अप्लाई होती है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉलिड, मेटालिक सॉलिड थ्रू आउट द सिस्टम पूरे में फैल जाती है। आपने देखा होगा कि आप किसी मेटल को हीट करते हो तो वो धीरे धीरे करके जहां से आप हीटिंग स्टार्ट कर रहे हो और जहां पे मेटल खत्म हो रहा है उसकी पूरी सरफेस जो है वो धीरे धीरे करके हीट होने लगती है। तो यही होती है थर्मल कंडक्टिविटी, और इसी तरह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो ये हमारा मेन रीजन होता है मोबिलिटी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से ये उसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देते हैं और उसके अंदर थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। अब हम इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि जो मेटल होता है उसके अंदर लस्टर होता है। लस्टर मतलब एक सॉफ्ट सा ग्लो, उसको हम लस्टर बोलते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं कलरफुल भी होते हैं, जिनके अंदर कलर होता है, और ये मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको आप हैमर कर सकें या प्रेस कर सकें लेकिन वो एक शेप में आ जाए, बट वो ना ही क्रैक हो और ना ही टूटे। आपने देखा होगा कि मेटल को आप हैमर या प्रेस करते हैं तो वो किसी भी शेप में आ सकती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको एक पतले से थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी होती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो है कोवेलेंट, या फिर नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं इसको। तो कोवेलेंट से आपको नाम से ही मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता होगा। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं नॉन मेटल के, तो यानी कि जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। और कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये एक दूसरे को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े हुए होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड और ब्रिटिल बना देते हैं इसको। तो इनको हम जाइंट मॉलिक्यूल्स या फिर जाइंट सॉलिड भी कहते हैं। ओके, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ये बहुत ही स्ट्रांग और डायरेक्शनल होता है, और ये एटम्स को बहुत स्ट्रांगली पकड़े रहता है। तो इसके अंदर ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, और ये इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। क्या रीजन होता होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करने का, कि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब ये कॉन्सेप्ट मत आप सोचिएगा कि जैसे कि तो बच्चों, डिटेल पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा ब्रीफिंग हो जाती है। यहाँ पर आप एक टेबल चार्ट से देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें जो बॉन्डिंग होती है, नॉन पोलर में डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस, पोलर में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डेड। Thanks student for watching the video and please hit the like button and subscribe the channel, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इस चैप्टर से बचे हुए टॉपिक को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। सी यू नेक्स्ट देन, बाय बाय।